चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे तीन आपराधिक कानून 1 जुलाई से बदल जाएंगे। दिसंबर 2023 में संसद से पारित तीन कानून कल से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता के तौर पर जाना जाएगा। सीआरपीसी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी और अब एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा। इन कानूनों के लागू होने के साथ ही इनमें शामिल धाराओं का सीरियल नंबर भी बदला जाएगा। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं ही रह गई हैं। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं, तो 33 अपराधों में सजा बढ़ाई गई है। वहीं सीआरपीसी की 484 धाराओं के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं रखी गई हैं। नए कानून में 177 बदलाव किए गए हैं, जबकि 9 नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। वहीं नई भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी बदलाव किए गए। इसमें 170 नियम कानून तय किए गए हैं, 24 कानून बदले गए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत वाराणसी पहुंचे। कल संघ भवन में आयोजित शाखा में शामिल होंगे और फिर गाजीपुर में परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के गांव धामोपुर जाएंगे। वीर अब्दुल हमीद के जीवन पर उनके बेटे की लिखी किताब मेरे पापा परमवीर का विमोचन करेंगे। मोहन भागवत धामोपुर से हदियाराम मठ जाएंगे और संत भवानी नंदन यति महाराज से आशीर्वाद लेंगे। कन्नौज में बन रहे रोमा स्मारक का मंत्री असीम अरुण ने निरीक्षण किया। रोमा स्मारक और मुक्ता काशी मंच के निर्माण में देरी पर नाराजगी जाहिर की। 3 महीने में काम पूरा करने के निर्देश दिए। रोमा समुदाय की याद में मंत्री असीम अरुण ने एक स्मारक बनवाने का काम शुरू करवाया था। यूपीटी परिसर में बन रहे रोमा स्मारक का काम मई में पूरा होना था, लेकिन अभी तक 60% काम ही पूरा हो सका है। स्मरण के लिए, उनकी याद के लिए ये स्मारक यहाँ पे तैयार हो रहा है। इसमें बीच में एक चक्र होगा जो रोमा समुदाय का घर माना जाता है, जो उनकी गाड़ी होती है, वैगन बोलते हैं उसको, उसके ये चक्र का प्रतिबिंब है। जो रोमा समुदाय का झंडा है उसके बीच में भी ये चक्र दर्शाया जाता है और ऐसा ये स्मारक तैयार हो रहा है। इसके बगल में लगभग 400 लोगों के बैठने के लिए मुक्ताकाशी मंच तैयार हो रहा है। इस मंच में लाइट साउंड सारी व्यवस्था होगी ताकि कन्नौज के हमारे युवा साथी या संस्कृति में जो भी रुचि रखते हैं वो अपने कार्यक्रम यहाँ पे आके बहुत ही कम खर्चे में कर पाएंगे और कन्नौज वासी उसका आनंद।